नमस्कार दोस्तों, अंकुर आर्ट यूट्यूब चैनल पे आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज क्लास नंबर 33 है और इसी क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स की ड्राइंग किया जाता है। तो इस ड्राइंग क्लास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंटर जरूर देखिए। अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको इस चैनल पसंद आए तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए आज पार्ट्स कैसे ड्राइंग किया जाता है वो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो पहले एक पैरट हम ड्राइंग करेंगे जो हिंदी में तोता पार्ट्स की बोला जाता है। तो देखिए पहले मैंने बेसिक से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले इसका जो हेड है वो एक ओवल शेप से मैंने ड्राइंग किया है और एक दूसरा जो ओवल शेप उसका बॉडी मैंने ऐसे शेप ले लिया और उसका जो टेल है वो एक रेक्टेंगल जैसे मैंने शेप ड्राइंग कर लिया है। अभी देखिए उसका जो पीक है जो वो मैंने ऐसे पहले ट्राइंगल से मैंने ड्रा कर लिया था। उसके बाद अभी धीरे धीरे देखिए मैं इसकी जो रिफाइन मैं कर रहा हूँ। तो पहले आपको जो भी पार्ट्स आपको ड्रॉ करना है उसको पहले बेसिक जो शेप है जैसे एक सर्किल हो गया, एक ओवल हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, इसी बेसिक जो शेप से आपको उस बार्स का जो फोटो आप से आप ड्राइंग कर रहे हैं तो उसको पहले इसी शेप से आपको इस बार्स को आपको डिवाइड कर लेना है और कोशिश कीजिए कि आप मैक्सिमम इसकी बॉडी को कवर कर लीजिए उस जो बेसिक शेप से। जैसे मैंने यहाँ पर जो किया है जो इसका हेड है, हेड को मैंने सर्किल से मैंने कवर किया है, इसका जो बॉडी है उसको ओवल से शेप से मैंने कवर किया है और इसके जो टेल्स और इसके जो पीक है मैंने एक पीक को मैंने ट्राइंगल से मैंने इसको कवर किया है और जो उसके जो टेल है पूंछ है वो मैंने रेक्टेंगल से इसको मैंने कवर किया है। तो आप भी ऐसे कुछ भी पार्ट्स आप ड्राइंग करो तो आप बेसिक शेप से उसको स्टार्ट करो। बेसिक शेप आप अगर आपको कब आप ड्राइंग कर लेंगे तो आप इजीली जो इसके जो आउटर शेप है, जो आउटलाइन है, आप आराम से आप आसानी से ड्राइंग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने इसकी जो आउटर शेप है मैंने ड्राइंग कर चुका हूँ। अभी धीरे धीरे शेडिंग मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं जो हैशिंग है, हैशिंग मेथड के ज़रिए मैं इसको शेडिंग कर रहा हूँ। जहाँ पर थोड़ा डार्क है वहाँ पर मैं फार्मली पेंसिल को मैं ऐसे देखिए फार्मली मैं इसमें लाइन खींच रहा हूँ और जहाँ पर मुझे लाइटली ड्रॉ करना है वहाँ पर मैं लाइटली स्ट्रोक मैं दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ा डार्क मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ और जो इसको जो पैर है उसको भी मैं धीरे धीरे ऐसे लाइट लाइट शॉर्ट स्ट्रोक दे के इसमें मैं इसमें जो 3D व्यू है वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो इसकी जो विंग्स है जो उसमें देखिए धीरे धीरे मैं शेडिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप भी मेरी तरह ऐसी पेपर पेंसिल से आप स्टार्ट कर लीजिए और जो भी पार्ट्स आपके सामने आता है, अगर आपको सामने कोई पार्ट्स भी नहीं भी हो तो मोबाइल आपके पास सामने ज़रूर होगा तो मोबाइल से आप वो पार्ट्स आप कोशिश कीजिए रेफरेंस फोटो निकल के उसको ऐसी बेसिक शेप से आप ड्राइंग करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों अभी हम लोग जो नीलकंठ जो पक्षी है उसको हम लोग अभी ड्राइंग करेंगे। तो ऐसे देखिए ऐसे हम लोग ऐसे बेसिक शेप पहले ड्रॉ कर लेंगे। देखिए पहले मैंने जो इसको हेड है वो मैंने एक ओवल से ड्रॉ किया है। इसके जो पीक है देखिए मैंने एक ट्राइंगल से मैंने इसको ड्राइंग कर लिया था और उसके जो बॉडी है उसको मैंने ऐसे ओवल शेप से मैंने ड्रॉ कर लिया था। तो ऐसे ही आप कुछ भी पार्ट्स आप ड्राइंग करो तो बेसिक शेप से उस पार्ट को आप डिवाइड करो पहले और धीरे धीरे उसको आप रेप्लिकेट करने की कोशिश करो। तो तभी आपको ऐसे जो भी इसका बॉडी शेप है, आउटर लेयर है, आप आसानी से इसको कवर कर पाएंगे और देखिएगा आप आसानी से कोई भी पार्ट्स आप ड्रॉ कर पाएंगे। तो आप ऐसे ही काफ़ी सारा बार्ड्स आप दिन में देखते हो तो कोशिश कीजिए आप कि कोई ना कोई बार्ड्स आप ऐसे ही मेथड से आप ड्राइंग करने की कोशिश कीजिए। तभी आप आसानी से कुछ भी बार्ड्स आप
अपना मेमोरी से भी आप ड्राइंग कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक है ड्राइंग का, वो है जो शेप हो गया, आपका जो फॉर्म हो गया, उसको जानना ज़रूरी है। उसके बाद आपको जो ज़रूरी है वो शेडिंग करना। तो शेडिंग और जो बेसिक शेप और फॉर्म के बारे में मेरा काफ़ी सारा क्लास है इस ड्राइंग का जो चैनल है, तो आप जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों कहने के बाद यही है कि आप जितना आप बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होगा, उसी बेसिक के बेस पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एनिमल, कोई भी बर्ड्स आप ड्राइंग कर सकते हो। तो आपको जो फंडामेंटल है आपको क्लियर होना चाहिए, आपका फंडामेंटल आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उस बेस पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट आसानी से आप ड्राइंग कर सकते हो, आप स्केच कर सकते हो। देखिए यहाँ पर मैं जो किंगफिशर बर्ड है वो मैं आउटलाइन ड्रा करने के बाद शेडिंग कर रहा हूँ। तो शेडिंग आपको आ जाएगा, उसकी कोई चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मेन चीज़ है वो है आपको ब्लॉकिंग, मतलब हो गया कि आप जो ऑब्जेक्ट को ड्रा कर रहे हो उसका जो आउटर लाइन होगा उसको आपको प्रॉपरली आपको कवर करना है आउटलाइन देके। तो उसको कवर करने के लिए जो तरीका है वो है कि आपको जो भी आपका आप ऑब्जेक्ट ड्रा कर रहे हो, अगर आप इस बार्स को ही आप ड्रा कर रहे हो, तो इसकी जो बार्स का आपको कोई दो तीन पार्ट में इसको बार्स को आपको डिवाइड कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैंने तीन चार पार्ट्स में मैंने बार्स को जो वो किंगफिशर बार्स इसको मैंने डिवाइड किया है। जैसे इसका जो हेड है उसको मैंने ओवल शेप से इसको मैंने डिवाइड किया है। इसका जो पीक है उसको मैंने ट्रायंगल शेप से मैंने इसको डिवाइड किया है। इसका बॉडी है उसको भी एक ओवल शेप से मैंने डिवाइड किया है। तो ऐसे ही आपको जो भी बार्स ड्रॉ करना है आपको ऐसी शेप से, बेसिक शेप से को स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप धीरे धीरे आप आउटर लाइन रिफाइन करते रहेंगे और आउटर लाइन आपको ड्राइंग करते रहेंगे। देखिए यहाँ पर मैं एक जो मैकपाई, जो ओरिएंटल मैकपाई जो बर्ड्स है जिसको बंगाली में दोयल कहा जाता है और हिंदी में अधेला कहा जाता है, देखिए मैं वही बर्ड्स मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैं स्टार्टिंग जो मैंने बोला है बेसिक शेप से मैंने स्टार्ट किया है। अभी देखिए इसका मैं रिफाइन कर रहा हूँ और जो इसका आउटर मोस्ट लाइन है वो मैं धीरे धीरे अभी ऐसे धीरे धीरे स्ट्रोक से मैं लाइन रफली मैं स्केच करके ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इसकी जो टेल है ऐसे मैं पहले मैंने रेक्टेंगल से मैंने ड्रॉ कर लिया था, अभी धीरे धीरे इसको स्केचिंग कर रहा हूँ। तो आप भी ऐसे ही कोई भी बार्ड्स हो पहले उसको ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करने के बाद देखो कोई कौन सी शेप कहाँ पर बिल्कुल बैठ जाता है। तो ऐसे ही आप जो शेप्स को फॉलो करके और जो रेफरेंस फोटो फॉलो करके आप बाकी का जो उसका आउटर लाइन है, आउटलाइन है जो कंटूर लाइन है उसको आप ड्राइंग करेंगे। देखिए अभी मैं जो आउटर लाइन है मैं अभी धीरे धीरे मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। तो इसको आपको ध्यान देने वाला यही बात है कि आपको जो आउटर लाइन है वो लगभग से एकदम लाइटली आपको ड्रॉ करना है, फार्मली ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसके जो आँखें है मैं अभी थोड़ा करके इसको शेड दे के आँखें को मैं देखिए ड्राइंग कर रहा हूँ। यहाँ पर इसकी जो जो ऊपर के जो विंग्स है और जो पीछे के जो टेल है अभी देखिए मैं इस पर धीरे धीरे मैं इसको फॉर्म लाइन से ड्राइंग कर रहा हूँ। तो आप भी ऐसे ही मेरे तरह प्रैक्टिस कीजिए। तो तभी आप इतना प्रैक्टिस आप करेंगे घर में बार्ड्स ड्राइंग का, उतना ही आपको बार्ड्स ड्राइंग आप आसानी से कर पाएंगे। तो बार्ड्स एक नेचर का एक बहुत ब्यूटीफुल एक चीज़ है। तो इसको काफ़ी बंदे इसको लाइक करते हैं, काफ़ी सारा बंदे इसको पसंद करते हैं और इसको काफ़ी सारा घर में इसको भी पाला जाता है। तो ये काफ़ी सारा बंदे का पेड्स भी होता है। देखिए दोस्तों बार्ड्स हमारा कंट्री में काफ़ी सारा बार्ड्स है और कुछ बार्ड्स बाहर से भी आते हैं। इस सर्दी के टाइम पे साइबेरिया से भी काफ़ी सारा बार्ड्स लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके यहाँ पर जो कम सर्दी वाला कंट्रीज है वहाँ पर आ जाते हैं।
बर्ड्स एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल नेचर का एक चीज़ है, इसको हमको प्रिजर्व करना चाहिए, इसको हमको जितना भी हो सके इसको ख्याल रखना चाहिए। और जो दिन के दिन जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है वो बर्ड्स के जो खतरे हो रहा है बर्ड्स के लिए बचने के लिए, तो हमें बर्ड्स को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दिन के दिन कुछ कुछ बर्ड्स तो एक्सटिंक्ट हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, दुनिया से विलुप्त हो जा रहा है, तो इसको भी हमें ख्याल रखना ज़रूरी है। तो इस ड्राइंग के ज़रिए मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप बर्ड्स को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, और बर्ड्स काफ़ी सारा बर्ड्स आप ड्राइंग कीजिए, और बर्ड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेते रहिए, तो भी आपका नॉलेज भी गेन होगा और साथ के साथ आपका ड्राइंग भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं शेडिंग लगभग कर चुका हूँ, तो शेडिंग करने से पहले मैंने वही बोला कि आपको जो आउटर लाइन है वो आप पहले कवर कीजिए, सही ढंग से कवर कीजिए, सही ढंग से आप ड्राइंग कीजिए, स्केच कीजिए, उसके बाद ही आप शेडिंग आप कर पाएंगे। तो मेरे कहने की बात यही है कि कुछ भी ड्राइंग कीजिए तो उसका बेस जो है, बिल्डिंग ब्लॉक जो है, अगर कोई आप मकान बना रहे हैं उसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक वही है, एक एक ईंट आपको सजाना है, तो वही जो आपको जो अगर वो ईंट जो है यहाँ पर ड्राइंग में वही फॉर्म है, आपका जो शेप है वही है, तो ये सब अगर आपको आता है तो आप आराम से कोई भी आप बर्ड्स हो, एनिमल हो, ट्री हो, कोई मैनमेड ऑब्जेक्ट हो, आप आसानी से ड्राइंग कर सकते हैं। देखिए अभी लास्ट जो मैं जो बर्ड्स ड्राइंग कर रहा हूँ उसका नाम है सारस, हिंदी में सारस, बंगाली में इसको बॉक कहा जाता है और इसको हिंदी में क्रेन बोला जाता है। देखिए इसको मैंने ऐसे ही एक पहले इसका आउटर लाइन मैंने ड्रॉ कर चुका हूँ। देखिए इसका जो गले का पोर्शन है वो लगभग एस उल्टा एस जैसे दिखता है, तो ऐसे ही मैंने इसको भी ऐसे आपको भी मतलब जो भी आप बार्स ड्रॉ कर रहे हो तो देखिएगा कि वो बार्स कौन सी शेप के बराबर आता है। ये जिसके बार्स को आप देखिए, इसका जो ऊपर का पोर्शन है गले से लेके जो बॉडी में जाकर ख़त्म हो रहा है, गले वाला पोर्शन लंबा होता है, तो वो वाला पोर्शन हमने देखा है कि ये थोड़ा उल्टा एस जैसे ही है, और नीचे का पोर्शन देखिएगा ये थोड़ा ट्राइंगल जैसे ही है, और देखिए इसका जो लंबे जो पीक है तो वो थोड़ा ट्राइंगल जैसे है। तो ऐसे ही आपको शेप को पहचानना है, कोई भी आप बार्स आप ड्राइंग कर रहे हो तो पहले कौन सी शेप कहाँ पर बैठेगा, तो बैठने से वो पोर्शन कवर होगा वो बड़ा पार्ट्स बार्स का, तो आपको इसी पहले सोच लेना है, उसी हिसाब से आपको ड्राइंग करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा लाइटली शेडिंग कर रहा हूँ, शेडिंग करने के लिए मैंने शेडिंग का क्लास भी इस ड्राइंग जो मेरा चैनल है अनकुर आर्ट, इसमें मैंने बना के अपलोड किया है, तो वापस जाके आप शेडिंग का बेसिक आप जान सकते हो, सीख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शेडिंग करने के लिए आपको जो मेन फंडा है वो है कि आपको लाइट सोर्स डिफाइन कर लेना है, और उसके बाद आपको कोई एक शेडिंग मेथड आपको अप्लाई करना है। जहाँ पर यहाँ पर देखिए मैं ज़्यादातर हैशिंग के ज़रिए मैं शेडिंग करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर हैशिंग से मैंने शेडिंग भी कर चुका हूँ। तो दोस्तों आज हम लोग काफ़ी सारा बर्ड्स के बारे में, ड्राइंग कैसे किया जाता है उसके बारे में हमने देखा है, और ड्राइंग भी किया, साथ के साथ कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर किया है कैसे बेसिक शेप से फॉर्म से हम लोग बर्ड ड्राइंग कर सकते हैं। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के एंड तक आ चुके हैं, अगर आपको इस ड्राइंग क्लास को अच्छा लगे तो इसको आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपको इस चैनल को पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपके साथ फिर मुलाकात होंगे, तब तक के लिए आप सुस्त रहिए और काफ़ी सारा बर्ड्स का ड्राइंग घर में प्रैक्टिस करते रहिए। तो टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।